प्रदेश में जजपा छोड़ने का सिलसिला जारी है। आज जजपा के महासचिव व पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर मेवात के पूर्व जिला अध्यक्ष व पुन्हाना से 2019 में जजपा की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े इकबाल जेलदार ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। साथ ही पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के समर्थन का ऐलान भी किया। शुक्रवार 3 मई को महेंद्र प्रताप के फरीदाबाद नामांकन प्रक्रिया में भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर होडल व हथीन से काफी संख्या में जजपा के कार्यकर्ता आए हुए थे। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के बेटे विवेक प्रताप विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यकर्ता मीटिंग की अध्यक्षता डागर पाल के प्रधान धर्मवीर ने की। मैंने इनका भाषण 91 में सुना था, जब भजनाली चीफ मिनिस्टर थे, शायद ध्यान हो गए थे आपको, तो वहां सेक्टर 16 में इनका जैसा भी राजनीतिक जीवन मैंने कमी ही देखा है। जो मन में कुछ नहीं, जो अंदर है वही बाहर है, और सदाकत का ही इन्होंने हमेशा रास्ता दिखाया सबको। मैं एक अर्ज करना जरूर चाहूंगा आप लोगों से, ये पहली मर्तबा हुआ है कि हमारे पिताजी को आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से और परमात्मा की बख्शिश से उनको पहली दफा लोकसभा में लड़ने का अवसर प्रदान हुआ है, और ये आपके ही आशीर्वाद की बदौलत हमें मिला है। मेरे दादाजी को भी आप लोगों ने बहुत प्यार और इज्जत बख्शी, हमारे पिताजी को भी बहुत इज्जत मान दिया आप लोगों ने, और छोटे भाई भी अभी इस फील्ड में है आप लोगों की दुआओं से, उसको भी बहुत स्नेह मिल दिया है। जब तक जी रहे आपकी सेवा करेंगे, और कभी भी आपको यह अधिकार होगा अगर हमसे कोई त्रुटि या कोई गुनाह हो तो जब चाहोगे जब हमें उस पद से हटा के बाहर कर सकते हो, आपको यह अधिकार होगा। कल एक नॉमिनेशन भी है उनका, तो आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह, आपकी जो उपस्थिति वहां हमारे लिए परम सौभाग्य की बात होगी, और हमारे लिए बहुत ही आभार का वो होगा हमारे उस अवसर कि आप लोगों के दर्शन वहां होंगे। मैं अपने आप में मैंने कभी रिश्वत नहीं ली, कभी बेईमानी नहीं करी, कभी कोई झूठ सच बात नहीं करी, कभी ऐल फैल की बात नहीं करी, कभी समाज को बिरादरी को लड़ाने की बात नहीं करी। मैं अपनी जो बात बता रहा हूँ, तो मैं अपने आप में जो ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ, मैं उससे दो चार सीढ़ी ऊपर महेंद्र प्रताप जी का व्यक्तित्व मानता हूँ। मेरे से ज़्यादा ईमानदार होंगे, ठीक है, जमीर मेरे से मजबूत होगी, प्यार मोहब्बत की बात मेरे से ज़्यादा होगी, और दूसरी बात यह है कि मैं उजड्ड आदमी हूँ, वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और मेरे से ज़्यादा इंसानियत वाले इंसान व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं। पार्टी छोड़ने की घोषणा करी है, और सरकार ने पाबंदी लगा रखी है कि अगर आप अल्ट्रासाउंड कराओगे कि लड़का है कि लड़की है, तो वो गुनाह भी है। अभी आगे जो मेरी प्लान है वो अभी है, क्यों खुलवाओ हैं? नहीं, इलेक्शन का दौर है, इस समय मेरा फर्ज यह है कि महेंद्र प्रताप जी के साथ सब मिलकर काम करें। इस इलेक्शन के बाद फिर कई दिन तुम्हें किसी दिन तुम्हें बुला लूंगा, फिर बता दूंगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ। घोषणा बाद में करेंगे, हाँ, क्या दिक्कत है? भाई देखो, आप इन बात ने तो ना करें तो बेहतर होगा। कृष्ण पाल जी क्या कह रहे हैं, करंदलाल जी क्या कह रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। करंदलाल जी के साथ मैं और जुड़ जाऊं, एक आध और जुड़ जाए, तो भी लोग जनता की जो जन भावना है उसे हम खत्म नहीं कर सकते। आज की जन भावना महेंद्र प्रताप जी के साथ है। दोनों हलकों के हर एक गांव में से, चाहे कोई किसी भी जाति बिरादरी का गांव है, पंच हैं, सरपंच हैं, एक सरपंच हैं, जिम्मेदार लोग
हर गांव से 5-5, 7-7 आदमी आपने देखा होगा, बुलाए तो है 300-400 लेकिन हजारों की तादाद में लोग जिम्मेदार, पूरे दोनों इलाकों के जिम्मेदार लोग, और इन्होंने शपथ उठाई है महेंद्र प्रताप जी को जिताने की, और कल उनका नॉमिनेशन है, उनके साहबजादे ही आए हैं, कल का इन्विटेशन देने लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाएंगे। देखिए व्यक्ति की बात नहीं है, महेंद्र प्रताप जी की जो छवि है, उनकी जो साख है हर बिरादरी में, पूरे जिले में, उस साख की लोग कदर करते हैं, और लोगों को विश्वास ये है कि भाई महेंद्र प्रताप जी जैसा व्यक्तित्व अगर हमारी लोकसभा में नुमाइंदगी करता है तो ना किसी के मान सम्मान में फर्क पड़ेगा, जितने काम की उनकी ताकत है उस हिसाब से लोगों के काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी दूसरे की जेब पे डाका नहीं डालते, वो सिस्टम भी नहीं है कि भाई तू ये काम कर रहा है इसमें भाई मेरा भी हिस्सा गे, एक वो बात नहीं है, जैसे एक रिवाज चल गया बीच ही भारतीय जनता पार्टी ने एक रिवाज चला दिया, इनका हर सांसद एक ही बात कहता है, मुझे वोट नहीं दिया आपने, मोदी को वोट दिए हैं, मोदी से करो बात। वोट ठीक है, महेंद्र प्रताप जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, राहुल गांधी नेता है, लेकिन ये अपनी बुराई या अपनी कमजोरी या अपनी कोई असमर्थता वो अपने नेता के ऊपर नहीं गिरेंगे, वो स्वयं अपने ऊपर लेंगे। तो इस तरह का व्यक्तित्व उनका है, और आज तो इकट्ठा हुए नहीं, लोगों की जन भावना के अनुसार कैंडिडेट दिया कांग्रेस ने, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए मेरी बात सुनो, मैंने अपनी बात पब्लिक में भी कही थी, मैं यहाँ फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ, मैंने जब जननायक जनता पार्टी छोड़ ही दी, अब चाहे उसे आप छोड़ना कह लीजिए चाहे इस्तीफा कह दीजिए, मैंने छोड़ दी, और आज से नहीं, मैं इन लड़कों की मेरे साथ रहे हैं, मैंने उनके साथ रहा हूँ, लेकिन वो लड़कपन की जो बात है उसमें हम जैसे लोगों की बात निभती नहीं है, इसलिए मैंने वो पार्टी छोड़ दी। देखिए जो कार्यकर्ता मैंने उस पार्टी में बनवाए हैं, ठीक है, उन कार्यकर्ताओं से मैंने कह दी तुम्हारा मन हो तो छोड़ना और मन नहीं हो तो मत छोड़ना, इस इलेक्शन में काम वो मेरे साथ करेंगे। देखो बाबूजी बात यह है, अगर कोई मशीनों में कोई करामात हो तो मैं कहता नहीं हूं, और नहीं इलेक्शन वो होगा जो 2014 में कृष्ण पाल जी का अवतार बढ़ाना कहा, जितनी वोट अवतार बढ़ाना को मिली वो कृष्ण जी पाल जी भरेंगे, जितनी कृष्ण पाल जी को मिली वो महेंद्र प्रताप जी भरेंगे, ये बात आपके बीच में कह रहा हूँ तो रिकॉर्डेड तो है ही, आप लिख लेना।